हेलो दोस्त, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोबारा आपके मेरे हमारे यूट्यूब चैनल विक्ट्री लैब पर। मेरा नाम है जीआरसी। और दोस्त, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अगले डायमेंशनलेस नंबर के बारे में, जो कि है फ्रॉड्स नंबर। ठीक है, इसका प्रनाउंस फ्रॉड्स करो या फ्रॉज, मैं तो फ्रॉज ही करूंगा जनरली। तो फ्रॉड्स नंबर के बारे में बात करेंगे। ये जो नंबर है डायमेंशनलेस नंबर है, तो दो ऐसे क्वांटिटीज का रेशियो होगा जिनके डायमेंशन सेम होंगे, पहली बात। तो दूसरा, इसका फॉर्मूला जो है वो है रूट ओवर इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशन फोर्स। अब मैंने इसके पहले वाले वीडियो में, जहां पर मैंने रेनॉल्ड्स नंबर आपको समझाया था, वहां पर मैंने काफी अच्छे से बताया था। यहां पर भी मैं बता दूं कि फ्रॉड्स नंबर में ग्रेविटी फोर्स यहां पर आपका डोमिनेंट है, और रेनॉल्ड्स नंबर में ऑब्वियस सी बात है विस्कस फोर्स डोमिनेंट था। लेकिन ग्रेविटी फोर्स किन केसेस में डोमिनेंट रहता है, और ये फॉर्मूला हमको कहाँ लगाना है, ये आपको समझना है। जैसे मान लो जनरल ऐसे ओपन एनवायरनमेंट में अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है जो ग्रेविटी के अंडर एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी का डोमिनेंट इफेक्ट है, विस्कस फोर्स उतना है नहीं क्योंकि बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन उतना ज्यादा नहीं है, तो जहां पर ग्रेविटी फोर्स डोमिनेंट है वहां पर ये फ्रॉड्स नंबर का हम यूज करेंगे। ठीक। अब दूसरा बात, अगर हम इसको सॉल्व करें तो भाई इनर्शिया फोर्स, अब इनर्शिया फोर्स मैंने वहां पर भी समझाया था, दोबारा बोल देता हूँ। इनर्शिया फोर्स, अगर आप सारे डायमेंशनलेस नंबर्स देखोगे सब में आपको इनर्शिया फोर्स दिखेगा। वो इसलिए दिखेगा क्योंकि जो इनर्शिया फोर्स है वो जो फ्लूइड है उसके खुद के इंट्रिंसिक इंटरनल प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर रहा है। इंटरनल प्रॉपर्टी क्या भाई, उसके एक्सेलरेशन पर खुद डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहां पर ग्रेविटी फ्रॉड्स नंबर के केस में ग्रेविटी एक एक्सटर्नल फैक्टर है, वही विस्कस इफेक्ट के केस में एक विस्कस ही एक्सटर्नल फैक्टर है। वो इंटरनल प्रॉपर्टी जरूर, मींस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरनली वो एक्ट कर रहा है, इंटरनल प्रॉपर्टी भी ना बोलूं। लेकिन वहां पर क्या हो रहा था कि कहीं पर देखो विस्कस इफेक्ट दिखता है, कहीं पर नहीं दिखता है, कहीं पर ग्रेविटी डोमिनेंट होता है, नहीं होता है, लेकिन हर जगह एक ऐसा केस आएगा कि फ्लूइड अगर एक्सिलरेटिंग है तो वहां पर इनर्शिया फोर्स तो दिखेगा। तो सारे फॉर्मूले में इनर्शिया फोर्स आपको देखने को मिलेगा। अब इनर्शिया फोर्स क्या होता है, इनर्शिया फोर्स होता है रो ए वेलोसिटी का स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एम जी ही लिखते हैं, मास को लिखते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। ठीक है, डेंसिटी वॉल्यूम को लिखते हैं अपन एरिया इंटू लेंथ, और यह ग्रेविटी। अब अगर अपन फॉर्मूले में डाले तो फ्रॉड्स नंबर इक्वल्स रूट ओवर इनर्शिया फोर्स क्या है, रो ए वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो ए एल इंटू जी। कुछ इस तरीके से फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी को वैसे ही रखा, वॉल्यूम को लिख दिया एरिया इंटू लेंथ। ठीक है भाई, अब अगर इसको देखे कुछ इस तरीके से कट जाएगा, फ्रॉड्स नंबर आपका आ जाएगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रूट ओवर एल इंटू जी। तो ये कुछ आपका डायमेंशनलेस नंबर आएगा, क्योंकि डायमेंशनलेस है तो यूनिटलेस है ये होगा। ठीक है, तो दूसरा डाउट आपके मन में ये आ सकता है कि भाई रूट ओवर क्यों लिए, सारे नंबर्स में तो अपन जनरल रेशियो लेते हैं, यहां पर रूट क्यों। आप बिना रूट के भी एक फैक्टर निकाल सकते हो, लेकिन ये नंबर अगर आप रूट करते हो तो ये नंबर जो भी वैल्यू आता है वो एक ऐसा नंबर है जहां पर कैलकुलेशंस आसान होते हैं। आप स्क्वायर भी लेके चल सकते हो, क्यूब भी लेके चल सकते हो, लेकिन आप खुद ही सोचो अगर जो भी आंसर आएगा उसको अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये वैल्यू काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग में आपको दिक्कत हो सकती है। तो उतना कुछ ज्यादा फिजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, रूट लेने का सिर्फ एक ही कारण है यहां पर, कि आप मिनिमल वैल्यू रखो, लोएस्ट इंटीजर टाइप पे रखो वैल्यू, ताकि आपके कैलकुलेशन झटझट हो सके, क्योंकि ये अल्टीमेटली रेशियो ही है ना, इस वजह से। तो कुछ इस तरीके की कहानी है। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्त, नीचे कमेंट में बताना। मैंने सारे डायमेंशनलेस नंबर पर वीडियो बना के रखा है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर है, पाइप के अंदर जो फ्लो होते हैं उसके अंदर से जो एनर्जी लॉस होते हैं, और बहुत सारी चीजों पर है यार। तो जाकर विजिट जरूर कर लेना चैनल को, और उसे कई सारा जरूरी है अपना ध्यान रखना। मिलता हूं मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों की हेल्प करते रहिए।